गुड मॉर्निंग, आई एम प्रिया। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग आवर लेक्चर वेरी मच एंड आप इससे बहुत से फायदे ले रहे होंगे। जैसे आप हमारी बहुत सी बुक्स ले रहे हैं, चाहे वो एमआर इंटरव्यू की हो, चाहे वो यूनिवर्सल इंटरव्यू की हो, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश की हो, चाहे आप एमआर की तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उससे बहुत से फायदे उठा रहे होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज वेरी वास्ट, यूनिक एंड स्पेशल टॉपिक, दैट इज NSAID। हम सभी को दोस्तों पता है कि NSAID ये एक पेन किलर है, लेकिन इसमें क्या क्वालिटी है, क्यों खानी चाहिए और ये मेडिकल रैप के लिए क्यों जरूरी है, हमें ये नहीं पता। तो आज मैं अपने सर मिस्टर मनोज कुमार शर्मा को इनवाइट करना चाहूंगी ताकि वो हमें इसके बारे में बताए। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और सिलेक्ट हो रहे होंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे फ्रेंड्स जब मुझसे बुक्स लेके जाते हैं और कुरियर से हम उन्हें भेज रहे हैं बहुत तेजी से, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे लगता है हर स्टेट है जहाँ पे हमारी बुक्स जा रही है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो और भी प्लेसेस हो, चाहे वो चेन्नई हो, बेंगलोर हो, पीपल आर परचेजिंग आर बुक्स। हमें अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। आज जो मैं टॉपिक आप सबके सामने लेकर आया हूँ वो बहुत अच्छा टॉपिक है। और जैसा कि आपको प्रिया ने बताया दैट NSAID इट्स अ नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। आप सबसे पहले तो इसका नाम याद कर लीजिए, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, क्योंकि ये कॉमन मेडिसिन है। रीजन बिहाइंड दैट, ये एक पेन किलर है और आप जानते हैं कि हर मार्केट आज के दुनिया में पेन किलर का बहुत बड़ा मार्केट है और हर कंपनी चाहती है कि हमारी पेन किलर जरूर मार्केट में उतरे और हम अपनी पेन किलर से बहुत प्रॉफिट भी कमाएं। तो जैसा कि आप मेडिकल रैप जब कंपनी से बनेंगे तो आप एक बात जरूर नोटिस करेंगे कि हम पेन किलर्स मार्केट के अंदर नंबर वन रहे, और ये पॉसिबल तभी है जब आप पेन किलर्स मार्केट के अंदर ग्रो अप करोगे। और देखिए फ्रेंड्स, पेन किलर्स का नॉलेज इसलिए जरूरी है कि जब आप इंटरव्यू लेने जाएंगे तो मैनेजर्स आपसे बहुत बार पूछेंगे कि व्हाट डू नो अबाउट NSAIDs, तो उस दौरान आपको हमारा वीडियो बहुत बहुत यूज में आने वाला है। तो लेट अस सी स्टार्ट। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ प्रिया, देखिए अगर हमें पेन किलर के बारे में जानना है तो हमें जब इंटरव्यू दे रहे हो तो हमसे कभी मैनेजर पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू नो बाय NSAID, तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि NSAID की जरूरत कब पड़ती है। तो यानी कि जब हमें पेन होता है तो एक्चुअली क्या है, इसमें अगर हमें समझना है तो इसके लिए हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा, इन्फ्लेमेशन। देखिए हम सबकी बॉडी में कभी कभी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा टिश्यूज रिएक्शन टू इंजरी और टिश्यूज रिएक्शन टू इन्फेक्शन। जैसे हमारे बुखार होता है तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, तो ये एक टिश्यू का रिएक्शन है इन्फेक्शन पर। इसके अलावा जब हमारी चोट लगती है तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारे दर्द होता है, उस जगह पर थोड़ी सी स्वेलिंग भी हो जाती है, इसके अलावा वहां पर रेडनेस भी आ जाती है, कई बार लॉस ऑफ फंक्शंस भी हो जाती है। तो ये सब साइंस है इन्फ्लेमेशन के। जैसे अगर हम बोलें व्हाट आर द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन और व्हाट इज इन्फ्लेमेशन, तो आप बोलेंगे इन्फ्लेमेशन इज टिश्यूज रिएक्शन टू एन इंजरी और एन इन्फेक्शन, एंड दिस इन्फ्लेमेशन सब्सिडाइज ऑल्सो, ये वापस भी चला जाता है व्हेन देयर इज द इंजरी हील्स और द इन्फेक्शन गोज अवे। सो हमने नोटिस किया कि इन्फ्लेमेशन परमानेंट नहीं रहता, बस हमें मालूम होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है। तो टिश्यू रिएक्शन है, इसके साथ में इसमें साइंस क्या है, इसके साइंस ये है रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शंस और वी कैन से पेन। तो इनको साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर डॉलर, रूबर वगैरह वर्ड्स दिए गए हैं, मगर अगर आप रेडनेस और स्वेलिंग वगैरह भी वर्ड यूज करोगे तो चल जाएगा। इसके 5 साइंस है, रेडनेस, हीट, पेन, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शंस। अब फ्रेंड्स, जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ थिंग कि इन्फ्लेमेशन होता क्यों, तो देखिए साइंटिफिक लैंग्वेज अगर मैं आपको पढ़कर सुनाऊं तो वो ये है, इन्फ्लेमेशन अकर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स लाइक हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिंस। तो ये एक इन्फ्लेमेशन अकर्स क्यों होता है, रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के द्वारा, जो कि हिस्टामिन है, प्रोस्टाग्लैंडिंस है। अब आप कहेंगे सर ये बहुत हार्ड है, मगर हमें हार्ड तो सुनना ही पड़ेगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इन्फ्लेमेशन मेनली अकर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिंस। सो मेनी ऑफ NSAIDs, बहुत सी NSAIDs हैं, दोज इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिंस। तो बहुत से इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए दवाइयां हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिंस के ऊपर वर्क करती है, और अच्छा वो डायरेक्ट NSAID पे प्रोस्टाग्लैंडिंस पे वर्क नहीं करती, वो उसको बनाने वाली कॉक्स यानी कि साइक्लोऑक्सिनेस पे इनहिबिट करती है। अब आप कहेंगे सर ये बड़ा टफ है और ये साइंटिफिक लैंग्वेज हमारे समझ में नहीं आ रही, तो शायद प्रिया आपके भी समझ में नहीं आया होगा। तो मैं चाहूंगा मेरे ऑडियंस को कुछ ऐसा देना जिसे मेरे ऑडियंस जब इस वीडियो को देख रहे हो या जब वो इंटरव्यू दे रहे हो तो उन्हें बिल्कुल हार्ड ना लगे और वो इजीली गो थ्रू हो जाए इस वीडियो के थ्रू। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सच में NSAID के बारे में अगर मैनेजर से डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ जो मैनेजर भी आपको देख के बहुत इंप्रेस होगा, उसको लगेगा वो यार इतना इंटेलिजेंट पर्सन है, इसको इतना पता है जितना मुझे भी नहीं पता। तो मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा कि इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में क्यों होता है, कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो देखिए कभी भी हमारे मान लीजिए इन्फेक्शन या इंजरी हुई, कोई भी चोट लगी, तो एक एराकिडोनिक एसिड नाम से एसिड हमारी बॉडी में रिलीज होता है। तो ये नाम आप बस याद रखिए, एराकिडोनिक एसिड। जब एराकिडोनिक एसिड हमारी बॉडी से रिलीज होता है तो आगे जाकर दो एंजाइम्स हमारी बॉडी में बनते हैं। अब ये दो एंजाइम्स के आप नाम जानना चाहेंगे तो देखिए इनके नाम है COX-1 COX-2। कितने ईजी नेम है COX-1 COX-2।
अच्छा इनकी अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो आप इतना ध्यान रखिए, ये दो एंजाइम्स हैं और ये तब बनते हैं जब हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन इंजरी होता है, वहां से एराकिडोनिक एसिड आता है और एराकिडोनिक एसिड के आगे जाकर ये दो एंजाइम्स बनते हैं जिसे हम नाम दिया है साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजिनेज 2, यानी कि हमने दो स्पेशल नाम दे दिए इनको, कॉक्स 1 कॉक्स 2। अच्छा कॉक्स 1 PG1 बनाता है, PG1 और कॉक्स 2 PG2 बनाता है, तो ये भी हमारे लिए इजी कंसेप्ट है कि कॉक्स 1 क्या बनाता है, वो PG1 बनाता है, 1 है तो 1 बनाएगा, और कॉक्स 2 क्या बनाता है, कॉक्स 2 2 बनाता है। तो हमने बात नोटिस करी कि NSAIDs क्या करती है, NSAIDs क्या करती है, इनको इनहिबिट करती है यानी कि इनको रोकती है, इनको ऐसे रोकती है ताकि ये आगे जाकर हमारी बॉडी पे इफेक्ट ना करे। अच्छा अब हम समझेंगे कि ये कैसे इफेक्ट करती है। तो देखिए आप एक बात बड़े अच्छे से समझ लीजिए, आपको एक लेमन लैंग्वेज में फिर से बताऊंगा कि कॉक्स 1 हमारा दोस्त है, तो ऑब्वियस है जो बनाएगा PG1 वो भी हमारा दोस्त होगा। अच्छा कॉक्स 2 हमारा दुश्मन है, ऑब्वियस है जो PG2 बनाएगा वो हमारा दुश्मन बनाएगा। तो हम जो मेडिसिन खा रहे हैं या कॉमन जो मेडिसिन जैसे आप डाइक्लोफेनेक वगैरह लेते हैं तो ये दोनों पे अटैक करती है, यानी कि हमारे दोस्तों को भी मार देती है और हमारे दुश्मनों को भी मार देती है। और हमें क्या चाहिए कि हमारे सिर्फ दुश्मन मरे और दोस्त बच जाए, राइट, हम कुछ ऐसा चाहेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो कॉक्स 1 है वो PG1 बनाता है। अच्छा PG1 को हम अपने दोस्त क्यों कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो GIT ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करता है, तो इट प्रोटेक्ट्स द GIT ट्रैक्ट। तो हमें पता लगा कि जो हमारी प्रोटेक्शन रख रहा है या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, डेफिनेटली वो हमारे लिए बेनिफिट तो होगा ही होगा। तो हमने नोटिस किया कि PG1 हमें प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा PG2 हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी को टॉक्सिन देता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। ऑब्वियस है हम चाहेंगे कि ऐसी ड्रग हो जो सिर्फ कॉक्स 2 को अटैक कर दे, कॉक्स 1 को छोड़ दे, मगर हम जो दवाइयां खा रहे हैं वो कौन सी ज्यादातर खाते हैं, वो खाते हैं जो दोनों पे अटैक कर देती है। हाँ दुश्मन तो मारा जाता है मगर उसके साथ साथ दोस्त भी माना जाता है। तो हमारे पास ऐसा कुछ ऐसा होना चाहिए, वे जरिया होना चाहिए जिससे कुछ ऐसी बात भी पता लगे। तो मैं आपको और अच्छी दुनिया के अंदर लेकर जा रहा हूँ कि हमने कॉक्स 1 समझ लिया साइक्लोऑक्सीनेज 1 है, कॉक्स 2 समझ लिया साइक्लोऑक्सीनेज 2 है, कॉक्स 1 PG1 बनाता है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन 1 है, कॉक्स 2 PG2 बनाता है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन 2 है। ये बात हमें पता लग गई है और हमें कुछ कुछ ऐसा ही पता लग गया कि NSAID कहाँ काम कर रहा है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि जब आप इंट्रो दे रहे हैं तो आपने मैनेजर को कुछ कुछ ऐसा इंग्लिश में समझाया मगर उसके साथ साथ आप एक और इंप्रेसिव बात बोलिए जो मैनेजर आपसे बहुत खुश हो जाएगा, वो है क्लासिफिकेशन। यानी कि अगर आपको NSAIDs की क्लासिफिकेशन आती हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझसे बोलिए सर क्लासिफिकेशन क्या है, ये क्या होता है, तो मैं आपको बोलूंगा कि NSAID की क्लासिफिकेशन हम दो तरह से कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं उसकी सिलेक्टिविटी के बेस पे, एक कर सकते हैं उसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शन के बेस पे। तो पहला पॉइंट क्या था, सिलेक्टिविटी, दूसरा पॉइंट क्या है, फार्मेकोलॉजिकल एक्शन। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए सिलेक्टिविटी क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स सिलेक्टिविटी का मीनिंग है कि कुछ ड्रग्स नॉन सिलेक्टिव है, वो हमारे दुश्मन को भी मारेगी दोस्त को भी मारेगी, वो सिलेक्ट नहीं कर सकती, उसको सिलेक्ट करने का नॉलेज नहीं है। तो हमने मान लो कॉम्बिफ्लेम ली, आइबुप्रोफेन, हमने डाइक्लोफेनेक ली, तो ये क्या करती है, हमारे PG1 को भी मार देती है और PG2 को भी मार देती है। तो ऑब्वियस है हमारे दुश्मन के साथ साथ हमारा दोस्त भी मारा गया। तो ये है नो सिलेक्टिव ड्रग्स। अच्छा अब इसमें आप कहेंगे सर सिलेक्टिविटी की बेस पे कितने पार्ट है, तो दो पार्ट है, सिलेक्टिविटी की बेस पे नो सिलेक्टिव और सिलेक्टिव। आप कहेंगे सर सिलेक्टिव के अंदर कौन आता है, तो सिलेक्टिव के अंदर मैं नाम लेना चाहूंगा निमिसलॉइड। आपने अगर निमिसलॉइड खाया हो, निमिसेट वगैरह, निमिसेट पी वगैरह खाया हो तो आपको ध्यान होगा कि हाँ सर निमिसलॉइड तो आता है। इवन निमिसलॉइड पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन हमारे इंडिया में बहुत चलते हैं मगर काफी फॉरेन नेशंस में बैन है, यूरोपियन कंट्रीज में तो बिल्कुल बैन है। तो हम ये देखते हैं कि NSAID के अंदर अगर जो निमिसलॉइड सॉल्ट है वो सिलेक्टिव है। अच्छा आप कहेंगे सर कोई और एग्जांपल है, तो मैं आपको कहूंगा सेलिकोक्सिब, रॉक्सिकोक्सिब भी था पर वो बैन हो गया इंडिया में, अब एटीरोकोक्सिब जरूर चलता है। हाँ कॉक्सिब्स की दुनिया में एटीरोकोक्सिब आज भी चल रहा है, निमिसलॉइड चल रहा है। तो ये जो दो ड्रग्स अगर मैंने आपके सामने नाम लिए है तो ये सिलेक्टिव इन NSAIDs है। अच्छा अब नॉन सिलेक्टिव कौन थी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो आपको पता है, आपको पता है आप कॉम्बिफ्लेम ले रहे, डाइक्लोफेनाक ले, ये सब क्या है, ये सब नॉन सिलेक्टिव। तो हमने सिलेक्टिविटी के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से कर लिया है कि एक है सिलेक्टिव और एक है नॉन सिलेक्टिव। अब हमने इसके एग्जांपल्स भी देख लिए। अब मैंने जो दूसरा पॉइंट दिया था वो दिया था फार्मेकोलॉजिकल एक्शन। अब देखिए फार्मेकोलॉजिकल एक्शन के अंदर क्या है, हम फिर से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक करेंगे हम एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक है दर्द निवारक, एक करेंगे एंटीपायरेटिक यानी बुखार कम करने वाली। तो देखिए पायरे का मतलब टेम्परेचर होता है, एंटी मींस अगेंस्ट, तो अगेंस्ट टेम्परेचर। तो हम सबसे पहले चलते हैं एनाल्जेसिक वर्ड पे। एनाल्जेसिक वर्ड क्या है स्टूडेंट्स, एनाल्जेसिक का मीनिंग है दर्द हटाने वाला। तो देखिए शायद आपकी कई बार पेन होता है तो आप, मैं फिर से कॉम्बिफ्लेम का नाम लूंगा, डाइक्लोफेनाक नाम लूंगा, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बात सही है आपकी कि एनाल्जेसिक के अंदर ये ड्रग्स बहुत कॉमन है।
और शायद हम लेते भी है कॉमन में, डाइक्लोपिनेक प्लस वगैरह, डाइक्लोफिन वगैरह हम कॉमन यूज करते हैं इन ड्रग्स को। तो आप नोटिस में करेंगे सर बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डाइक्लोफिनेक वगैरह या कॉम्बिफ्लेम जो आइबुप्रोफेन वगैरह मार्केट में आती है, एस्पिरिन वगैरह आती है, एस्पिरिन आपने खाई होगी शायद, डिस्प्रिन एस्पिरिन वगैरह, तो ये सब क्या है, ये सब है एनाल्जेसिक्स यानी कि दर्द निवारक। अच्छा दूसरा एंटीबायोटिक, तो बुखार को कम करने वाला यानी टेम्परेचर को कम करने वाला, शायद आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपने कालपोल खाई होगी, आपने मेडिसिन खाई होगी, तो जब आप कालपोल मेडिसिन खाते हैं तो ऑब्वियस आपको नाम याद हो गया होगा पैरासिटामोल, तो सॉल्ट जो आता है उसके अंदर वो आता है पैरासिटामोल। तो हमने एक बात नोटिस करी कि हमने सबसे पहले क्लासिफाइड किया एनएसएडी को दो पार्ट में, वन इज सिलेक्टिविटी अनदर इज फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सिलेक्टिविटी के अंदर हमने फिर से दो पार्ट किए, उसका एक का नाम था सिलेक्टिव, एक का नाम था नॉन सिलेक्टिव। सेलेक्टिव के अंदर हमने किसको लिया, हमने लिया निमेसलाइड, हमने लिया एडिरोकॉक्सिब। हमने नॉन सेलेक्टिव के अंदर किसको लिया, हमने नॉन सेलेक्टिव के अंदर लिया डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन वगैरह। अब हम चलते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पे, फिर से हमने दो पॉइंट दिए उसको, एक दिया एनाल्जेसिक और एक दिया एंटीपायरेटिक। देखिए एनाल्जेसिक जो है वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कॉम्बिफ्लेम लेते हैं, डाइक्लोफेनेक लेते हैं, तो ये सब क्या एनाल्जेसिक है। अच्छा जो बुखार की गोली यानी कि हम जो कालकोल वगैरह लेते हैं, ये सब क्या है, पैरासिटामोल, ये है एंटीपायरेटिक। तो फ्रेंड्स इसमें अगर एक और पार्ट देखूं तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अंदर मैंने आपको दो पार्ट सिखाए, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक, एक और पार्ट होता है वो होता है फार्माको एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी कि हम उसका नाम अगर मैं दूं तो हमने एंटीपायरेटिक ले लिया, एनाल्जेसिक ले लिया, एंटी इंफ्लेमेटरी, जिसमें हम नाम दे सकते हैं मेफेनेमिक एसिड। तो मेफेनेमिक एसिड अगर आपने सुना हो या इंडोमेथेसिन वगैरह सुना हो आपने, तो वो हमारा एंटी इंफ्लेमेटरी के अंदर आ जाता है। तो हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अंदर तीन पार्ट्स डिवाइड किए और सिलेक्टिविटी के अंदर दो पार्ट डिवाइड किए। अब आप कहेंगे सर फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अंदर तीन पार्ट कौन कौन से है, तो पहला मैंने आपको याद करवाया था बहुत अच्छे से एनाल्जेसिक, दूसरा एंटीपायरेटिक और तीसरा है एंटी इंफ्लेमेटरी, जिसके अंदर आप मेफेनेमिक एसिड यूज कर सकते हैं या फिर इंडोमेथेसिन यूज कर सकते हैं। अच्छा कई बार प्रिया आपने देखा होगा कि हम जब ड्रग्स लेते हैं यानी कि पेन किलर लेते हैं तो उसके कई साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो आपने देखा होगा इवन आपने अपने पेरेंट्स भी बोलते हैं कई बार कि ज्यादा दवाई मत खाओ, तो आपको मालूम है प्रिया कि सबसे ज्यादा दवाई कहाँ इफेक्ट करती है बॉडी में, नहीं मालूम। तो मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं मालूम होगा कि सबसे ज्यादा बॉडी में कहाँ इफेक्ट करती है, तो आप हैरान हो जाओगे सुन के फ्रेंड्स कि सबसे ज्यादा जो बॉडी इफेक्ट करती है, ड्रग इफेक्ट करती है, वो करती है वहां जहां पर वो मेटाबोलाइज होती है। तो मेटाबॉलिज्म का काम सिर्फ हमारी बॉडी में एक ही चीज करती है, वो है ऑर्गन लीवर, यकृत आपने नाम सुना होगा। तो लीवर पे इफेक्ट बहुत करती है ये ड्रग्स। इवन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि छोटे बच्चों को आप निमेसलाइड प्लीज ना दें, क्योंकि वो उनके लिए हार्मफुल होती है। बहुत से लोग निमेसलाइड पैरासिटामोल, निरोसेड पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन वगैरह अवेलेबल है, इवन निमेसलाइड पैरासिटामोल बच्चों के लिए भी अवेलेबल है, किड वगैरह आती है, निमकिड किड वगैरह। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप छोटे बच्चों को कभी भी निमेसलाइड सॉल्ट दूर रखें, क्योंकि उनके लीवर को बहुत इफेक्ट करती है। इसके साथ साथ आपने ये तो सुना होगा कि हमारे स्टमक के अंदर अल्सर्स वगैरह हो जाता है जब हम ये दवाई ज्यादा खाते हैं, तो फ्रेंड्स किडनी को बहुत फर्क यानी कि खराब करती है ये। इसके साथ साथ स्टमक अल्सर्स हुआ ये इफेक्ट होता है, इसके अलावा किडनी डिस्फंक्शन रहने का डर रहता है। हाँ ऐसा नहीं कि आप एक गोली खाएंगे तो डिस्फंक्शन है, कई लोग आदत डाल लेते हैं, जब दर्द होता है वो गोली खा रहे हैं, इससे हमारी किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो प्लीज आप इस बात का भी ध्यान रखिए। तो मैंने ये आपको एक तरीके से इस एनएसएडी के साइड इफेक्ट्स बताए हैं। अब देखिए आप मेरा वीडियो इतनी देर से देख रहे हैं, आप कहेंगे सर कुछ नई बात बताएंगे या नहीं बताएंगे, तो बिल्कुल मैं जो भी व्यूअर्स अभी तक बैठे हैं मेरे साथ मैं उनको बहुत यूनिक दुनिया में लेकर जा रहा हूं कि फ्रेंड्स देखिए जब आप ड्रग्स की बात पर ही आते हो, डॉक्टर जब मैनेजर के साथ इस बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर चलता हूं जहां आपका इंटरव्यू में चांसेस सिलेक्शन होने के लिए चांसेस ज्यादा बन जाएगा, और वो क्या है चलिए मैं उस दुनिया में आपको लेकर चलता हूं। वो है कुछ कंपनीज, कुछ एग्जांपल्स, कुछ ब्रांड्स जो कॉमन है, अगर आप उनके नाम लेते हैं मैनेजर्स वगैरह के सामने तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देखिए मैं आपको सबसे पहले डाइक्लोफेनेक की दुनिया में लेकर जाऊंगा। डाइक्लोफेनेक के अंदर जो ब्रांड आते हैं वो हम कह सकते हैं डाइक्लोमोल, डाइक्लोमोल विन मेडिकेयर का है फ्रेंड्स। इसके अलावा डाइक्लोजेसिक जो कि टॉरेंट कंपनी का है, डाइक्लोविन प्लस जो कि विंग्स कंपनी का है, वोवरान, शायद आपने वोवरान कैप्सूल वगैरह बहुत सुने होंगे, तो ये नोवार्टिस का है, वोवरान एसआर भी आता है, वोवरान 3500 mg वगैरह भी अवेलेबल है। इवन आप डुअफ्लेम वगैरह स्विसरा कंपनी के नाम को बड़ा अच्छे जानते होंगे, इवन फनेक प्लस जो कि जेनरिक ब्रांड है रेनबेक्सी का। तो जो जो मैंने आपको नाम बताए हैं डाइक्लोफेनेक के, आप उसे प्लीज एक दो बार और सुनिएगा, आपको वैसे ही दो चार ब्रांड याद हो जाएंगे, उससे क्या अच्छा इंप्रेशन पड़ता है ड्यूरिंग इंटरव्यूज। आपको कई बार मैनेजर कह देता है कि यार आपको ड्रग्स का नॉलेज नहीं है, आपको सर मुझे पता है मेरे को डाइक्लोफेनेक के ब्रांड्स ये चार ब्रांड पता है सर, इस कंपनी का, इस कंपनी का। अच्छा हम बहुत आगे चलते हैं थोड़ा सा, आइबुप्रोफेन नाम सुना होगा शायद आपने, कॉम्बिफ्लेम तो नाम सुना ही होगा, तो आइबुप्रोफेन इसी में ही है। आइबुप्रोफेन पी जो इंडिगो कंपनी का आता है, आइबुफ्लेमर मैं कहूंगा
वो है इंडिगो कंपनी का और एक आता है ब्रूफेन, शायद ब्रूफेन गोली आपने जरूर सुनी होगी, कई बार ब्रूफेन का नाम मैंने सुना भी है। तो आप ब्रूफेन हमारी अबॉट कंपनी की है। इसके अलावा आईमोल का नाम लूंगा जो कि कैडिला का है, आईबुलेट प्लस वो है हमारी स्विस कंपनी का, इवन फ्लेक्सन, फ्लेक्सन बहुत बिकता है, फ्लेक्सन फ्लेक्सन एमआर बहुत बिकता है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक एजिस्ट्रो कंपनी का ब्रांड है। इसके अलावा डोलोमेड और डोलोमेड एमआर ये भी कॉमेड कंपनी का और ये बहुत 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 बिकता है। तो मैंने आपको जो जो ब्रांड्स आइबुप्रोफेन के अंदर बताए हैं, इवन कॉम्बीफ्लेम एवेंटिस कंपनी का है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा। और ये कंपनी का अगर आप नाम लेते हो साथ में तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है। अब चलते हैं हम निवेश लर्ड के अंदर। देखिए कई बार जब आप निवेश लर्ड में दो चार बार बोल देते हैं मैनेजर के सामने तो आपको कहता है कोई ब्रांड भी पता है कि नहीं पता आपको, तब आपसे वो ब्रांड भी पूछ सकता है। तो ड्यूरिंग एन इंटरव्यूज में आपको कहना चाहूंगा निमसेड पी जो कि बहुत बिकता है मेडले कंपनी का, इवन नीमोटेक्स पिल कंपनी का, नाइस डॉक्टर रेड्डी का, नाइस की बहुत अच्छी सेल है स्टूडेंट्स, निमोलिड दैट इज पैनेशिया, नेटोपी जो कि और ये फार्मा कंपनी का है, इवन निमिका आईपीसीए इपका कंपनी का है, निमजेसिक जो कि एलएमबी कंपनी का, और सुपर निम प्लस दैट इज ऑफ सिप्ला। तो मैंने आपको जो भी ब्रांड्स बताए फ्रेंड्स अगर आप उनके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट कर लो या दो चार ब्रांड्स भी आप याद कर लो तो बहुत होता है। अब डाइक्लोफेनिक जो सॉल्ट है ना फ्रेंड्स वो थोड़े से ज्यादा अल्सर्स वगैरह क्रिएट करता है, तो उसका एक डेरिवेटिव ही निकाला गया ए सीक्लोफेनिक, आने वाले कुछ सालों में ही आया था। मैं अगर कहूँ तो वैसे तो हो गया टाइम करीबन 10 साल हो रहे हैं, पर ये सॉल्ट बहुत बिका था जब ये आया था, तो इसका नाम है ए सीक्लोफेनिक। शायद अगर आप कोई मेडिकल रैप हो तो आपने नाम जरूर इस समय आप भेज भी रहे होंगे इस सॉल्ट को, ए सीक्लोफेनिक। इसके अंदर जीरो डोल ब्रांड दैट इज ऑफ इपका, एसिनेक दैट इज ऑफ मेडले, आरफ्लर दैट इज ऑफ एफडीसी, हाइफेनेक जो कि इंटास कंपनी का है। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स इस समय अगर मेडिकल रैप भी देख रहे हैं तो वो बहुत खुश हो रहे होंगे जो उनकी कंपनीज के नेम आ रहे हैं। इवन डाइक्लोफेनिक पैरासिटामोल सराशिपेप्टिडेज आपने नाम सुना होगा, इसकी भी कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है, रेशो डीपी दैट इज ऑफ इंटास, डाइपेन एमआर दैट इज क्वाइट जेनरिक, इंटाजेसिक एमआर जो कि इंटास का है, यूनोजेसिक एमआर, यूनोजेसिक एमआर बहुत बिकती है बच्चों, गोलियां कभी चेक करना किसी मेडिकल स्टोर पे, क्योरवेल कंपनी का है ये। अच्छा कुछ सीवियर ड्रग्स है जो कि बस हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सीवियर है लेने में, यानी कि कुछ पोस्ट सर्जिकल जो मेडिसिन हैं तो उसमें ट्रामाडोल वगैरह भी आ जाती है, जो मैं आपको जो तरह ब्रांड बताऊंगा तो आपके शायद आने वाले टाइम के अंदर बेनिफिट हो जाए। अल्ट्रासेट जो कि जॉनसन एंड जॉनसन का है, कॉन्ट्रामोल जो कि निकोलस का है, अल्ट्रामैट, ट्रैम्पिट दैट इज ऑफ बायोटेक, फोर्टाडोल जो कि क्योरवेल का है, और ट्रामोनीर जो कि निरफिल निरलाइफ का है। तो फ्रेंड्स ये कुछ मैंने आपको ब्रांड्स बताए और इसमें जो एनएसएडी शुरू से बताए थे वो बहुत काम के और आपके लिए जरूर यूजफुल है। हाँ कभी कभी मैनेजर आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जिसके लिए आप तैयार नहीं होते। जैसे एक मेडिकल रैप था जिसको मैं तैयार कर रहा था, तो उसको बोला यार मेरे पेट में बहुत दर्द था तो तुम उम्मीद कर सकते हो मैंने कौन सी दवाई खाई? तो वो कहता सर आप कोई भी दवाई खा सकते थे। वो कहता सोच लो मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ। वो कहता सर आपने डाइक्लोफेनिक खाया होगा शायद, या आपके घर में डाइक्लोफेनिक पड़ी होगी और आपने उठा के खा लिया। वो कहता नहीं दोस्त मैंने खाई थी डाइसाइक्लोमीन। तो उससे बोला गया सर डाइसाइक्लोमीन? कहता हाँ ये स्पेशल सॉल्ट है। तो मैं आपको कुछ उसके ब्रांड्स भी बता देता हूँ जो कि स्पेशली हमारे स्टमक एक वगैरह के लिए बनते हैं। मेफ्टाल स्पास जो कि हमारी कंपनी है ब्लू क्रॉस, स्पास्मोनिल जो कि सिप्ला जेनरिक है, कॉलिनोल जो कि नियोल का नॉइल का है, कॉलीटैप, कॉलीटैप बहुत बिकता है स्टूडेंट स्विस कंपनी का है, सुपर स्पास, स्पास्मो प्रॉक्सीवोन वगैरह जो कि थोड़ा कभी नशे के रूप में भी यूज हो रहे हैं, वोकार्ड, न्यूरो स्पास, इनस्विफ्ट, पार्वन स्पास जो कि जैक्सन पाल, डीवीएन प्लस ओवरसीज, और ड्रॉटिन दैट इज ऑफ एफडीसी। तो मैंने आपको जो भी ब्रांड्स बताए हैं चाहे वो कोई भी हो, कुछ कुछ पेन के अंदर यूज होते हैं और कई बार क्या है ये नशे के रूप में भी यूज हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरा मोटो ये रहेगा, मेरा मोटो बिल्कुल अलग है आप लोगों के लिए, और मेरा मोटो यही है कि जो भी मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरे इस समय ब्रदर्स यहाँ वीडियो देख रहे हैं मैं चाहता हूँ वो सब सेलेक्ट हो, उनको सिलेक्शन जरूर मिले। और प्रिया मेरे ख्याल से हमने अभी तक अपनी जो बुक सेल आउट करी है जो बच्चे हमसे मंगा रहे हैं वो सब हमसे सेटिस्फाइड है? यस सर बिल्कुल। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आती है बुक्स के अंदर या आपको कोई अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम तो आप हमसे प्लीज फोन पे बात कर सकते हैं। इवन हमने अपना व्हाट्सअप नंबर भी अपने यूट्यूब के अंदर दे रखा है, आप हमसे डिमांड कर सकते हैं, आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमसे फेमिलियर रहिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम आपको हेल्प देने के लिए तैयार हैं। प्रिया आप कुछ व्यूअर से बात करना चाहेंगे? यस थैंक यू सो मच दोस्तों हमारा लेक्चर सुनने के लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, अगर आपको किसी भी टॉपिक की जरूरत है तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। इससे पहले भी हमारे बहुत से लेक्चर है, आप उन सभी लेक्चर को सुनना, और आप चाहते हो कि आपको आगे वाले लेक्चर भी मिलते रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे चैनल नेम है PD क्लासेस SGNR। थैंक यू।